दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी ड्यूडी लानी। थोड़ा सा मैं आपको ड्यूडी लानी का छोटा सा एक मार्केट दिखा देता हूं। 240 ये है हमारे साथ छोटे छोटे दुकानदार। हाँ जी छोटे दुकानदार जी, बढ़िया। और कुछ मैंने तो दोस्तों हम अब पहुंच चुके हैं और यहाँ पे गाड़ी को पार्क कर दिया गया है। तो हम पहुंच चुके हैं दोस्तों ऐसी जगह में, बहुत ही लाजवाब जगह है दोस्तों। एक बार आप देखोगे ना आप ये बोलोगे कि कहाँ पे पड़ती है जगह, एक बार देख तो लो यार, एक बार आप देख तो लो। ये देखो क्या झरना दिख रहा है यार, वाह यार क्या सुंदर जगह है। तो दोस्तों हमने ले ली यहाँ पे चाय और साथ में आएगा। तो दोस्तों हमारे मोमोज आ चुके हैं, देखते हैं मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज। हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ हो गए और मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो बहुत खास होने वाला है। आज है दोस्तों 15 अगस्त का दिन, और जो मेरा पिछला ब्लॉग है उसमें मैंने आप सभी लोगों को 15 अगस्त का जो प्रोग्राम था वो दिखाया। तो थोड़ा सा ब्लॉग लंबा हो रहा था तो मैंने सोचा कि कहीं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट किया जाए, तो थोड़ा सा घूमने का भी प्लान बना लिया था हमने। तो चलिए आज घूमने देखते हैं कहां तक पहुंचती है गाड़ी। अब देखते हैं, हमारे साथ है हमारे स्टाफ के जो बंदे हैं वो भी है। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का व्यू भी। अभी मौसम जो है बहुत ही सुहाना हो रहा है, जबकि थोड़ी देर पहले बारिश का मौसम था। अब मौसम देखिए आप, ये देखिए। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं झंडे का भी आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये हमारा तिरंगा ध्वज है जो हमने ध्वजारोहण करा था, और ये हमारा घर घर तिरंगा की मुहिम कायम रहते हुए हमने भी लगाया था यहाँ पे। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से, पूछते हैं जरा हम यहाँ से। हाँ जी कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ का प्रोग्राम है? हमने अभी चलना शुरू करा है इस मंजिल पे, इस मंजिल का ठिकाने का हमें पता नहीं, अभी पता नहीं। हम जा रहे हैं अभी लक्ष्यार जाएंगे यहाँ से। हाँ जाएंगे ढूंढी लानी से माता तक जाएंगे, उसके बाद फिर वापस आएंगे। टाइम ज़्यादा हो रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये है ना कि आज का जो दिन था थोड़ा स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष में, तो चलिए मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि हम कहाँ जा रहे और क्या करने जा रहे। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं। तो दोस्तों हम जाएंगे FZ से। तो दोस्तों हम अब निकल चुके हैं यहाँ से, थोड़ा सा मैं रोड का व्यू दिखा दे रहा हूँ। ड्यूडी लानी, थोड़ा सा मैं आपको ड्यूडी लानी का छोटा सा एक मार्केट दिखा देता हूँ। दो तीन दुकानें हैं दोस्तों यहाँ पे, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को दिखा दे। भाई साहब जो व्यू है ना यहाँ से, वाह यार क्या सुंदर सा व्यू। एक दुकान ही है, और यहाँ पे भी दोस्तों जो तिरंगा की जो घर घर तिरंगा वाली मुहिम है वो यहाँ भी कायम है, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को दिखा पा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। थोड़ा सा जलपान के लिए कुछ वो लिया जाए। हाँ जी क्या लेना चाहोगे? लेते हैं कोल्ड ड्रिंक, लेते हैं एक ये ले चिप्स, एक ले चिप्स और रेड रेड वो चिल्ली वाला भाई बहुत दूसरा होने वाला है, और कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ। तो हम यहाँ से कोल्ड ड्रिंक ले रहे, कोल्ड ड्रिंक निकाल दो उधर, हो गए ठंड, ठंडी हो गई। कितने हुए, 45? ये है हमारे साथ छोटे छोटे दुकानदार। हाँ जी छोटे दुकानदार जी, बढ़िया। और कुछ मैंने वाह, ठंडी हो चुकी है, थोड़ा सा मैंने फ्रीजर में डाल दी थी ना तो ठंडी हो गई, बढ़िया। फ्रीजर में डाल के थोड़ा ठंडी हो गई भाई। तो चलिए निकलते हैं अब यहाँ से। तो दोस्तों हम अब पहुंच चुके हैं और यहाँ पे गाड़ी को पार्क कर दिया गया है। तो हम पहुंच चुके हैं दोस्तों ऐसी जगह में जहाँ से आपको पूरा
आसमान ही आसमान दिखेगा, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को दिखा पा रहा हूँ। वाह यार क्या सुंदर जगह है यार, बहुत ही लाजवाब जगह है दोस्तों। एक बार आप देखोगे ना, आप ये बोलोगे कि कहाँ पे पड़ती है जगह, एक बार देख तो लो यार, एक बार आप देख तो लो। ये देखो क्या झरना दिख रहा है यार, वाह यार क्या सुंदर जगह है, बहुत जबरदस्त। तारीफ पे तारीफ, तारीख पे तारीफ, वाह क्या जगह है यार, क्या सुहाना मौसम, वाह वाह, बहुत ही इंजॉय करेगा दोस्तों आज तो। चलिए बने रहिए आप ब्लॉग पे, तो अभी देखते हैं क्या क्या हमने लाया है, तो उसका थोड़ा जलपान करेगा यहाँ पे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ का थोड़ा सब व्यू दिखा देता हूँ, थोड़ा सा दोस्तों। वाह यार पता नहीं कहाँ जन्नत में आ गया आज यार, वाह यार कैसी बात कर रही। तो चलिए अभी इंजॉय करते जा, थोड़ा सा फिर मिलता हूँ मैं आपको कुछ ही देर में। तो दोस्तों हमारी जो छोटी सी पार्टी है वो स्टार्ट हो चुकी है। देखिए आप, हमने ला रखी है कोल्ड ड्रिंक, वो भी कोक। तो चलिए और नमकीन में थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और साथ साथ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ व्यू। तो दोस्तों हमारा जो खान पान का वो था वो भी हमने कर लिया है जलपान। तो अब हम यहाँ से निकल रहे, थोड़ा सा आगे का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, और हम जाएंगे शायद अभी थोड़ा सा नागथाट मार्केट में कुछ सामान लेने। तो चलिए नागथाट को भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक दोस्तों, इंजॉय करते रहिए, क्योंकि आज की जो वीडियो बहुत स्पेशली है दोस्तों। यहाँ का जो व्यू है बहुत ही सुंदर व्यू है, ऐसा कि मैं आप सभी लोगों को दिखा पा रहा हूँ। तो अब नागथाट का कुछ मैं व्यू दिखाऊँ आपको, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। हाँ ये दिखा देता हूँ, अरे कहाँ आ गया, अरे नहीं जाता था ये ना, अब ये वाला जाता होगा शायद, ये जाता होगा कहाँ गया। क्यों नहीं आ रहे हो, यहाँ का एक छोटा सा मार्केट है जैसा कि मैं आप सभी लोगों को दिखा पा रहा हूँ। और हम ढूंढ रहे चाय के लिए यहाँ पे एक टी स्टॉल, टी स्टॉल देखते हैं चाय का। तो दोस्तों हमने ले ली यहाँ पे चाय और साथ में आएगा, साथ में क्या आएगा, मोमोज, मोमोज आएगा साथ में। ये देखिए चाय ले ली दोस्तों, जो चाय ठीक मीठी है, जरा टेस्ट करते चाय को कैसा है, ठीक मीठी, वाह जानदार जबरदस्त, वाह यार मस्त चाय है, थोड़ा सा मीठा तेज है, मैं थोड़ा हल्का लेता हूँ ना मीठा, तो यहाँ पे थोड़ा तेज लगा मुझे थोड़ा, ठीक है चैन सिंह ना ये बहुत ज्यादा मीठा ले लेता है, इसको इतना मीठा नहीं होना चाहिए ना। तो अब मोमोज आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ मोमोज। तो दोस्तों हमारे मोमोज आ चुके हैं, देखते हैं मोमोज गर्मा गर्म मोमोज, एक बार इसको टेस्ट किया जाए जरा कैसा मोमोज है, नागथाट के मोमोज, चटनी भी आ चुकी है, तो चलिए टेस्ट करते, थोड़ा सा चटनी ले लेते हैं इसमें, अभी नागथाट में थोड़ा टी स्टॉल में चाय चाय पी रहे थे। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको व्यू दिखाता हूँ हिमालय का, ये देखिए आप
सनसेट हो रहा है दोस्तों, ये देखिए आप सनसेट। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत कुछ दिखाया आज, व्यू भी दिखाया और साथ में मैंने आपको एक छोटा सा मार्केट दिखाया नागथाट का। जैसा कि हमने वहाँ पे टी स्टॉल पे गए थे, हम थोड़ा सा चाय वाय पी और फिर हम वहाँ से निकल गए और हम अभी वहीं पे है, नागथाट के पास में ही है। और मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा प्लांट है, वो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से सीधा नीचे, ये देखिए। चलिए बैक कमरे से दिखाता मैं आपको। तो दोस्तों मैं आपको अपना प्लांट दिखाता हूँ, हमें अभी नागथाट पे और नागथाट से बिल्कुल जस्ट नीचे ही दिखता है प्लांट। अगर हम यहाँ से पैदल जाए तो मुश्किल से 20 मिनट या आधा घंटा का रास्ता होगा, और अगर हम गाड़ी से जाए तो एक बार जाना पड़ता है हमको उधर। वो रोड दिखाई दे रही होगी सामने आपको, लक्ष्यार से दिखा, वो लक्ष्यार में सामने, ये लक्ष्यार, हमको वहाँ जाना पड़ेगा अभी अगर रोड से जाए तो। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ अपने प्लांट का, ये देखिए, ये है दोस्तों हमारा प्लांट। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ये है दोस्तों हमारा प्लांट, और ये है हमारे प्लांट में हमारे रहने का स्थान, और ये है जमुना जी, ठीक है, और ये जमुना जी आ रही है सीधा, और एक प्लांट है दोस्तों इधर, ये चीला का। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसकी फोटोग्राफी ले लेता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना दोस्तों, जिससे कि जब भी मैं इसी तरह की टूरिस्ट वाली वीडियो बनाऊं या कहीं भी जाने की वीडियो बनाऊं और आप लोगों को दिखाऊं, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाए। तो चलिए दोस्तों आज का जो ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और निकलते हैं हम अपने प्लांट को। अब हमने यहाँ से जाना है सीधा उधर लक्ष्यार, और लक्ष्यार से होकर फिर हम सीधा आएंगे अपने प्लांट पर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था प्लांट, फिर हमने जाना है वहाँ पे। तो चलिए समाप्त करते हैं आज का ब्लॉग, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो थैंक यू दोस्तों।